हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। पूरे डिवाइड एज अ डायरेक्टेड, आपको डिवाइड करना है 5 2x + 1 3x + 5 एंड डिवाइड बाय 2x + 1। देखो सिंपली, अगर हमें 3 × 5 × 4 इसके अंदर डिवाइड देना हो 4 का, तो हम क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 3 × 5 एंड 3 × 5 = 15, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल वाली टर्म हमें दे रखी है, तो हमें यही काम इसके अंदर करना है। जो नंबर इसके अंदर सेम मैच हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई के अंदर नंबर होने चाहिए, प्लस या माइनस में नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, तभी इसको दूसरे से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x + 1, यहाँ पे भी 2x + 1 सेम है, इसमें इसका ये कैंसिल हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5 × 3x + 5। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 26xy + 5 × y − 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए पास, अगर यहाँ प्लस माइनस का होगा तो नहीं कैंसिल हो सकता, अदरवाइज मल्टीप्लाई होगा तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। 13xy − 4, अगर पहले कॉमन निकल के आ रहा कोई नंबर तो कॉमन निकालो, नहीं आ रहा सेम नंबर है मल्टीप्लाई में हो तो ये से कैंसिल हो जाए, कैंसिल होने का मतलब ये नहीं माइनस हो गया। इसमें इसी का डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई नंबर सेम है, उनकी पावर जो मर्जी हो, बेस सेम है तो पावर माइनस होती है, एम में से माइनस कर देंगे, तो इसकी पावर कुछ दे नहीं रखी, तो इसकी पावर 1 मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, 1 में से 1 माइनस किया 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो डिवाइड देंगे तब भी 1 ही आएगा, या पावर से कर लो एक ही बात है। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो गया, बचा कौन 2 5x + 5, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्लियर, अब डिस्कस करेंगे इसका तीसरा पार्ट, 52PQR, P+Q × Q+R × R+P एंड डिवाइड बाय 104PQ Q+R R+P। सारे मल्टीप्लाई में जिसके बीच में निशान नहीं होता मल्टीप्लाई होता है। देखो Q+R सेम है, कैंसिल आउट हो गया, R+P R+P से कैंसिल आउट हो गया, पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, दोनों में देखना डिवाइड किसका जा रहा है, 4 का डिवाइड जा रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, ऊपर बचा कुल मिला के P+Q एंड नीचे बचा हुआ है 2, और कुछ तो बचा नहीं, तो आंसर हो जाएगा P+Q / 2, साथ में R भी बचा हुआ है तो R इसके साथ में लगा दो यहाँ पे। ठीक, चौथा पार्ट 20y + 4y² 5y + 3 डिवाइड बाय 5 × y + 4, बीच में निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, y + 4 सेम है, डिवाइड कर दिया हमने बनाएगा, 5 × 4 = 20, आंसर कितना हुआ 4 × y² + 5y + 3, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट x + 1 x + 2 x + 3 डिवाइड बाय x + 1, डिवाइड देना है, x से x कैंसिल आउट हुआ, बीच में निशान है तो मल्टीप्लाई, x + 1 से x + 1 हुआ, बचा कितना x + 2 एंड x + 3, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।